फ्रेंड्स, पुष्पा क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टू कलर नेटिंग डिज़ाइन बताने वाली हूँ। चलते हैं ट्यूटोरियल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन। ये चार लाइनें मैंने पहले से बुन रखी हैं, सीधी उल्टी सीधी उल्टी। अब मैं ऊन का कलर चेंज करके डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने तीन फंदे उल्टे बुन लिए, तीन फंदे सीधी तरफ उल्टे बुने हैं। अब हम चौथा फंदा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, अब ये यहाँ पे मैं ये चार दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। ये वन होल, दूसरा होल, तीसरा होल और ये चौथा होल। अब सिलाई को सीधे डालते हुए पीछे की तरफ से जो चौथा होल था उसमें आगे की तरफ लाएंगे, आगे की तरफ ला के और इस वाली सिलाई को पीछे ले जाके उल्टा, ये उल्टा फंदा बुन लेंगे। ये उल्टा फंदा हमने बुन लिया, ये उल्टा फंदा हमने बुन लिया। अब सेम पहले जितना तीन फंदे उल्टे बुने, तीन फंदे हमने उल्टे बुने। अब ऐसे ही वन होल, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये चौथा होल दिखाई दे रहा है। अब सिलाई को सीधे डालते हुए सीधा डाला, पीछे की तरफ से आगे की तरफ चौथे होल में ला के ऐसे। अब हम इसको सिलाई में डाल के उल्टा बुन लेंगे। तीन फंदे उल्टे बुने, तीन फंदे उल्टे बुनने के बाद अभी हमें ये होल दिखाई दे रहे हैं, पहला होल, दूसरा होल, तीसरा होल और ये चौथा होल। सीधे फंदे की तरह सिलाई में डालना है, सिलाई को पीछे से आगे की तरफ चौथे होल में डालना है। डालने के बाद इस सिलाई को भी इन सारे फंदों से कवर कर लेना है। अब हम उल्टा बुनते हुए सारे फंदों को निकाल देंगे और एक फंदा बन जाएगा। फिर हमने फिर से तीन फंदे उल्टे बुने, तीन फंदे फिर से उल्टे बुने। अब सेम पहले की तरह ये होल दिखाई दे रहा है, 1 2 3 और ये 4। सीधे फंदे की तरह डाला, डालते हुए पीछे की साइड से चौथे होल में डाल के आगे की तरफ सिलाई लानी है। अब ये इस सिलाई को इसमें डाल के और उल्टे फंदे की तरह बुन लेना है। अब ये वाला फंदा उल्टा बुनना है। इस तरह ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई, ये हमारी पहली लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक साइड उल्टी साइड चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पूरी लाइन उल्टी बुनी जाएगी, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पूरी लाइन सीधे उल्टी बुननी है। इससे हम पूरी लाइन उल्टी बुनते हुए जाएंगे। ये हमारी बैक साइड वाली दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई। फ्रंट साइड की हम तीसरी लाइन स्टार्ट करते हैं। तीसरी लाइन हमने सीधा बुना, इस तरह पूरी लाइन हम सीधी बुनती जाएंगे। हमें कुछ नहीं करना है, पूरी लाइन सिंपल सीधी बुननी है। ये मेरी तीसरी लाइन कंप्लीट हो गई, जो कि मैंने पूरी सीधी बुनी थी। अब चौथी लाइन यानी कि बैक साइड, चौथी लाइन हमने पूरी लाइन दूसरी लाइन की तरह पूरी उल्टी बुनेंगे। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, एक कलर से चार लाइनें बुनी जाएंगी। पांचवी लाइन में डिज़ाइन पड़ता है, ये पूरी लाइन उल्टी बुनी जाएगी। ये हमारी चौथी लाइन भी कंप्लीट हो गई है।
अब पांचवें लाइन पे आते हैं जिसमें हम डिज़ाइन पड़ेगा और ऊन का कलर चेंज होगा। अब हम ऊन का कलर चेंज करते हैं, ठीक पहले की तरह है। अब हम ये देखना है हमारी ये तीन तीन के ग्रुप बने हुए हैं, ये तीन ये तीन ये तीन ये तीन ये तीन। अब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम पीछे की तरफ से फंदा उठाएंगे इस बीच में आना चाहिए। ये तीन पॉइंट दिख रहे हैं ग्रीन के, 1 2 3, ये तीसरे वाले पॉइंट पे हमें आना चाहिए। तो हम पहला फंदा दूसरे रंग की ऊन से उल्टा बुनेंगे, उल्टा बुन लिया। अब हमें ये वाला पॉइंट पे इसको भी उठाना है। अब हम सीधे फंदे की तरह उठा के पीछे की तरफ से ऐसे उठाना है ताकि ये ग्रीन वाला बीच वाला फंदा भी आ जाए हमारी सिलाई के ऊपर। अब हम पहले की तरह इसको ऐसे करके और उल्टा बुन लेंगे। फिर हम तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, तीन फंदे हमने उल्टे बुने। अब ये तीन पॉइंट दिख रहे हैं ग्रीन के, 1 2 3। अब हमें ऐसे करना है कि बीच वाला फंदा हमें उठाया जाएगा, बीच वाला फंदे इसको हम उठाएंगे, सीधे फंदे की तरफ डाल के पीछे की तरफ से आगे को लाना है ताकि ये ग्रीन वाला फंदा भी हमारे सिलाई में आ जाए। और ये वाली सिलाई डाल के ये डाल के अब ये सारे फंदे इनका एक हो जाएगा और उल्टा बुन लेंगे। फिर हम पहले की तरह तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। अब ठीक पहले की तरह सिलाई को पीछे की तरफ से डाल के आगे की तरफ ऐसे लाना है कि ये वाला ग्रीन फंदा भी हमारी सिलाई में आ जाए। इस सिलाई को डाल के सारे फंदे इसका एक हो जाएगा, ये उल्टा बुन लिया। फिर हमने तीन फंदे उल्टे बुने, तीन फंदे हमने उल्टे बुने। फिर सिलाई को पीछे से आगे की तरफ को लाएंगे, ये ग्रीन फंदा भी आ गया ऐसे, ये वाली सिलाई पीछे की तरफ डाल के और ये उल्टा बुन लेंगे। फिर हमने तीन फंदे उल्टे बुने, इस तरह हम पूरी लाइन बुनते जाएंगे। अब ये ग्रीन कलर से मैंने पहली लाइन बुन ली है। अब ये दूसरी लाइन यानी बैक साइड, उल्टी साइड, बैक साइड हमने पूरी लाइन उल्टी बुननी है। ये दूसरी लाइन है ग्रीन कलर से, ये पूरी लाइन हमने उल्टी बुननी है कलर से। अब ये ग्रीन कलर से मेरी दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं तीसरी लाइन, तीसरी लाइन स्टार्ट करते हैं। ये पूरी लाइन हम ग्रीन कलर से ये तीसरी लाइन सीधी बुनती जाएंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सीधे बुनते जाना है। ये ग्रीन कलर से हमारी तीसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई है। हम चलते हैं चौथी लाइन यानी बैक साइड पे चलते हैं। ये हमारी चौथी लाइन है ग्रीन कलर से, ये हम पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे, पूरी सिलाई हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उल्टे बुनते हुए जाना है पूरी सिलाई। अब ये ग्रीन कलर से हमारी चौथी लाइन भी कंप्लीट हो गई है। एक कलर से सिर्फ चार लाइनें बनानी है, पांचवी लाइन में कलर चेंज करके डिज़ाइन बनेगा। अब हम ग्रीन कलर छोड़ के अब हम पिंक कलर से डिज़ाइन बनाएंगे। अब हमें ये देखना है हमारी तीन तीन के ग्रुप बने हुए हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये तीन तीन के हमारे ग्रुप बने हुए हैं। अब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है ये बीच वाला फंदा जो है 1 2 3, ये बीच वाला फंदा जब हम पीछे से उठाएंगे तो ये वाला फंदा सिलाई में आना चाहिए। इसके लिए हमें अब पहले तीन फंदे
उल्टे बुनने हैं दूसरे रंग की ऊन से। ये तीन फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, तीन फंदे उल्टे बुनने हैं। अब ये बीच वाला फंदा सिलाई में उठाएंगे हम। अब हम सीधे फंदे की तरह डाल के, सीधे फंदे की तरह डाल के पीछे से ऐसे उठाना है कि पिंक कलर का फंदा भी सिलाई में आए। फिर इस सिलाई को भी इसके बिल्कुल बगल से डालते हुए ये डालते हुए उल्टे फंदे की तरह बुनना है और सब इस सब फंदे का एक कर लेना है। फिर हमने तीन फंदे उल्टे बुने, तीन फंदे हमने उल्टे बुने। फिर ये फंदे को पीछे की तरफ से आगे की तरफ को निकालेंगे, साथ में ये पिंक कलर का बीच वाला फंदा भी आ जाएगा। इस सिलाई को ऐसे डाल के फिर उल्टे फंदे की तरह बुन लेना है, ऐसे निकाल। फिर हमने तीन फंदे उल्टे बुने, तीन फंदे उल्टे बुने। फिर इस फंदे को सीधे फंदे की तरह डालते हुए पीछे की तरफ से आगे को निकालना है और ये पिंक कलर का ये बीच वाला फंदा भी आ जाएगा साथ में। फिर इसको उल्टा बुनते हुए निकाल लेना है ऐसे। फिर तीन फंदे उल्टे बुनने हैं, इस वाले फंदे को ऐसे लेके पीछे की तरफ से आगे को निकालना है, ये बीच वाला फंदा ऐसे लेना है और उल्टा बुन लेना है। फिर तीन फंदे उल्टे बुने, इस फंदे को पीछे की तरफ से लेके ये बीच वाले फंदे को भी ले लेना है। फिर ये सिलाई डाल के फिर उल्टा बुन लेना है। फिर हमने उल्टा बुन लिया इस तरह। ये हमारी पिंक कलर की ऊन से पहली लाइन कंप्लीट हो गई। अब ये पिंक कलर से हमारी पहली लाइन कंप्लीट हो गई। अब दूसरी लाइन जो है बैक साइड में, वो भी हमने पूरी उल्टी बुननी है। तीसरी लाइन वो सीधी बुननी है पूरी। चौथी लाइन भी पूरी उल्टी बुननी है। पांचवी लाइन में कलर चेंज करके ऊन ग्रीन कलर की ऊन से डिज़ाइन बनाना है। सेम ऐसे ही डिज़ाइन को रिपीट करते रहना है, तो ये हमारा डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो जाएगा। डिज़ाइन बनने के बाद ऐसा दिखेगा। अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।